अध्यक्ष जी, एक रोग है ड्यूकेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये ऐसी बीमारी है जिसमें लगभग 10 साल तक बच्चा स्वस्थ रहता है और उसके बाद में उसके अंग सिकुड़ने लग जाते हैं। 20 साल की उम्र में जाकर के वो बच्चा पूरी तरह से चारपाई पकड़ लेता है और कोई भी रोगी 25 साल से ज्यादा उम्र नहीं पा पाता है। भारत में इस बीमारी के इलाज के लिए एक संस्था है, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस जादमपुर। ये संस्था एकमात्र संस्था है जो इस पर काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बीमारी पर अमेरिका में 2 से 3 करोड़ $ खर्च हो जाता है। हमारी ये संस्था इस पर काम कर रही है। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार के रोगियों को बचाने के लिए भारत सरकार इस संस्था को मदद करे और रिसर्च अनुसंधान का काम करे ताकि इस प्रकार के रोगियों को लाभ मिल सके। मैं आशा करूंगा कि भारत सरकार इस पर ध्यान देगी।